हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचरिस्ट। मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम एक सुंदर गुलाबी फूल रेन लिली के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये ज़ैपरान्थस कैटेगरी की रेन लिलीज पश्चिम गोलार्ध में मूल रूप से पाई जाने वाली कंदवर्गीय सुंदर फूलों की प्रजातियाँ हैं, जिनमें मुख्य रूप से अमरीका इनका मूल निवास है। LNW मेरो जो कि अमरीकी वनस्पति शास्त्री थे, उन्होंने इनके अमरलिस परिवार पे काफ़ी रिसर्च किया था, जिससे इन लिलीज का अमेरिका मूल निवास होने का पता चलता है। दोस्तों, तकरीबन 4 साल पहले मेरे एक फ्रेंड ने यह रेन लिली का प्लांट मुझे गिफ्ट दिया था। तब से आज तक हर साल यह लिली इसके फ्लावरिंग सीजन में खूब खिलती है। दोस्तों, थोड़े से अगर हम इन ज़ैपरान्थस लिलीज के हिस्ट्री में जाते हैं तो कुछ पवित्र ग्रीक कथाओं से इनका संबंध स्थायी रूप से हमें जुड़ा हुआ दिखाई देता है। इन लिलीज के आगे ज़ैपरान्थस ऐसा नाम इसलिए पड़ा है कि पुरानी पश्चिमी सभ्यता और लोक कथाओं के अनुसार ग्रीक अवतार में ज़ेप्रस नाम के एक यूनानी पवन देवता थे, जिनको प्रमुख रूप से वसंत ऋतु का दूत माना जाता था, जो कि एक कोमल पश्चिमी हवा का मूल स्त्रोत्र थे। पुरानी लोक कथाओं के अनुसार इनमें से प्रत्येक देवता को एक कार्डिनल दिशा दी गई थी। इन देवताओं से संबंधित उस दिशा से उनकी हवाएं बहती थी, जिनके बहने से बारिश होने पर लिली संप्रदाय के फूल पूरी चमक के साथ खिल उठते थे। इसलिए इन लिलीज का ज़ेप्रस देवता से संबंधित नाम जुड़ा है। दोस्तों, ज़ेप्रान्थस वैरायटी की इस लिली का साइंटिफिक नेम ज़ेप्रान्थस रोजिया है। प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार कॉमनली इसे पिंक रेन लिली, पिंक मैजिक लिली, रोज ज़ेप्र लिली, रोज फेयर लिली, क्यूबन ज़ेप्र लिली, रेन फ्लावर ऐसे नामों से जानते हैं। हमारे भारत में इसे ज़ेप्रान्थस रोजी या फिर ज़ेप्रान्थस कैरिनाटा के नाम से जाना जाता है। यह गुलाबी ज़ेप्रान्थस रोजिया लिली मुख्य रूप से अमरलिस या फिर सुदर्शन कुल की सदस्य है, क्योंकि इनके फूलों के पंखुड़ियों का आकार खिलने पर सुदर्शन चक्र जैसा दिखाई देता है। नेटिवली या फिर मूल रूप से यह पिंक रेन लिली दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया और पेरू के ट्रॉपिकल जोन की मूल निवासी है, जहां से वह विस्तारित होकर दुनिया भर में हमारे भारत में, वेस्ट इंडीज में, प्रशांत और हिंद महासागर के कई द्वीपों में, ज़्यादातर घास वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से फैल चुकी है। आमतौर पर पूरे दुनिया भर में इनकी 70 से भी ज़्यादा मान्यता प्राप्त प्रजातियां पाई गई है। दोस्तों, ये ज़ेप्रान्थस लिलीज मुख्यतः मोनोकोट टाइप या कैटेगरी में आती है, जिसमें ज़्यादातर गुच्छों वाले घास की प्रजातियां शामिल है, और इसी टाइप में यह गुलाबी लिली भी खुले घास के मैदानों में प्राकृतिक रूप में बड़े पैमाने पर खिलती है। कॉमनली इस गुलाबी लिली की मैसिव फ्लावरिंग मौसमी या तूफानी बारिश के बाद होती है। वैसे देखा जाए तो साल भर वातावरण प्रणाली अनुसार इस पर एकाध दूसरे फ्लावर बीच बीच में दिखाई देते हैं, लेकिन तूफान या मौसमी बारिश के साथ इसकी रेगुलर फ्लावरिंग का सीजन देर गर्मियों के बाद, मतलब मई से अक्टूबर के मध्य तक बना रहता है। इस गुलाबी लिली की सुंदर छोटी छोटी ट्यूबुलर आकार की कलियाँ इस तरह शाम के वक्त सीधे डंठल पर दिखाई देने के बाद ज़्यादातर सुबह के वक्त इसके गुलाबी फूल खिलने लगते हैं। दोपहर के वक्त यह गुलाबी फूल अपने पूर्ण विस्तारित आकार से फ्लैट पोजीशन में खिलते हैं। फूल पूरी तरह खिलने के बाद तकरीबन 2 दिन या फिर 48 घंटे तक डंठल पर खिले रहते हैं, और फूल जैसे दोपहर में पूरी तरह खुलते हैं, उसी तरह 2 दिन बाद दोपहर में ही बंद हो जाते हैं या फिर मुरझा जाते हैं। एक स्पेसिफिक समय पर खिलना और मुरझा जाना इस प्रजाति की यह खास विशेषता है। एवरेजली 10 से 12 इंच के अलग अलग डंटल पर इस ज़ेप्रान्थस रोजिया लिली के फूल अकेले खिलते हैं। दिखने में सुदर्शन चक्र जैसे आकार में खिलने वाले इन फूलों में 6 से 8 पंखुड़ियाँ इस तरह होती है। यह गुलाबी फूल आकार में 2 से 3 इंच डायमीटर में होते हैं। फूलों के नाजुक पंखुड़ियों पर हल्के लाइनर शेप में रेशाएँ होती है। ज़ेप्रान्थस रोजिया के इन फूलों में गुलाबी, दूधिया सफ़ेद और गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन एक बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देता है। इनके कुछ प्रजातियों में सुगंधित फूल भी पाए जाते हैं। यह कंदवर्गीय प्रजाति होने के कारण ओनियन की तरह बल्ब से इनके फूलों के तने निकलते हैं। दोस्तों, इस लिली की पत्तियां हल्के ट्रैप टाइप में इस तरह झिलमिलाती हरी घास की तरह होती है। वैसे देखा जाए तो यह घास से संबंधित ही प्रजाति है। सीधे बल्ब से विकसित होकर
इसकी छोटी छोटी पत्तियाँ मल्टीपल तादाद में पॉट्स, कंटेनरों या फिर फ्लावरिंग बेड पर एक घनी ग्रीनरी क्रिएट करती है। बीच बीच में इनके डेड लीव्स को रिमूव करके हम इस ग्रीनरी को मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, इस ज़ेप्रिन्थस लिली की सनलाइट नीड ज़्यादातर पूर्ण सूरज की रोशनी की होती है, लेकिन घनी गर्द छाया के बावजूद हल्के अर्ध छाया में भी यह सर्वाइव कर सकती है। लेकिन ज़्यादातर पृथ्वी के ट्रॉपिकल जोन में फ्लावर प्रोड्यूस करने वाली सभी वनस्पतियों की प्रजातियाँ सीधे सूरज की रोशनी की सराहना करती है। इसलिए इस लिली के पौधे को भी जहाँ अच्छी तरह से सनलाइट मेंटेन होती हो उस पोर्शन को चूज करना बेहतर होता है। इनफैक्ट पॉट या कंटेनरों में ज़्यादा गर्मी की वजह से इनके लीव्स बर्न होने जैसी समस्याएं दिखाई देती है। वैसे तो पॉट में लगाए गए पौधों के लिए यह बात कॉमन है। पॉट या कंटेनरों में प्रकृति जैसी व्यवस्था हम मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि प्राकृतिक रूप में यह लिली खुले मैदानों में सीधे सनलाइट के नीचे पनपती है। इसलिए पॉट्स, कंटेनर, विंडो व्हील्स या फिर फ्लावरिंग बेड में हमारे घर के एरिया में जहाँ भी हम इसे ग्रो करना चाहते हैं वह दिशा ज़्यादातर साल भर सनलाइट फेसिंग होनी चाहिए। इसलिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में आने वाले हमारे भारत और बाकी देशों के ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल एरियाज में इस पौधे के लिए हमारे घर की साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन होनी चाहिए, और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध के ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में साल भर सूरज की किरणें बनी रहती है। दोस्तों, इस ज़ेप्रिन्थस लिली की वाटरिंग नीड मीडियम से लो कैटेगरी में आती है, क्योंकि यह कंद वर्गीय प्रजाति है। इसलिए गर्मियों के दिनों में इनकी वाटरिंग नीड थोड़ी सी बढ़ जाती है, या फिर ज़रूरत के अनुसार गर्मियों के दिनों में इनको वाटरिंग करनी चाहिए। लेकिन कड़ी ठंड या सर्दियों के दिनों में इसकी वाटरिंग नीड नॉर्मल कैटेगरी में आ जाती है। बारिश का मौसम तो इसका फ्लावरिंग सीजन होता है। इस मौसम में सीधे आउटडोर के प्लांट्स वर्षा जल में नहाते रहते हैं। अगर लंबे समय तक बारिश ना हो तो हल्का पानी देकर हम इन्हें मेंटेन कर सकते हैं। यह बल्बस या कंदवर्गीय प्रजाति होने के कारण जल भराव स्थिति या ओवरहेड वाटरिंग से इनके बल्ब या कंद सड़ जाते हैं। इसलिए पॉटिंग मिक्स सॉइल बनाते समय वह ऑर्गेनिक खाद समेत पूरी तरह से हमें उसे वेल ड्रेनड बनाना चाहिए, जिससे एक्सेस वाटर गमलों या कंटेनरों के ड्रेनेज होल से निकल जाए। दोस्तों, इस लिली के फर्टिलाइजर के बारे में देखा जाए तो पॉटिंग मिक्स सॉइल बनाते समय ही इनमें ज़्यादातर ऑर्गेनिक बेस की खाद मिलाकर पौधे के नीड और ग्रोथ के अनुसार बीच बीच में इन्हें वाटर सोल्यूबल तरल उर्वरक हमें देने चाहिए, जिसमें सीवीड, एनपीके बेस फर्टिलाइजर, ह्यूमिक एसिड, ऐसे उर्वरकों को लिक्विड बेस में देने से पौधों पर काफ़ी निखार रहता है। इन लिलीज के पौधों के जड़ों के पास ब्लैक कलर के ह्यूमिक पाउडर का लिक्विड बनाकर मंथ में कम से कम एक बार देने से इसके लीव्स की ग्रीनरी और फूलों की चमक आप खुद महसूस करोगे। मैं मंथ में एक बार ह्यूमिक का घोल बनाकर इनके जड़ों के पास देता हूँ। ऑर्गेनिक बेस में इसे हम शुद्ध भारतीय देसी गाय के गोबर का लिक्विड बनाकर इनके जड़ों के पास दे सकते हैं, क्योंकि शुद्ध देसी गाय का गोबर समृद्ध जीवाणुओं का महासागर होता है। उन जीवाणुओं की वजह से मिट्टी में भी एक जैव प्रणाली विकसित होती है। दोस्तों, देसी गाय, उसका गौमूत्र, उसका गोबर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ज़रूरत अनुसार किसी और वीडियो में उसके बारे में हम देखेंगे। दोस्तों, ज़्यादातर मल्टीपल फ्लावर्स प्रोड्यूस करने के लिए इस लिली को सनलाइट पोर्शन वाली जगह, वेल ड्रेनड पॉटिंग मिक्स सॉइल, मैच्योर बल्ब्स और लो केमिकल एक्टिविटी, इन बातों का ध्यान रखना होता है। दोस्तों, इस ज़ेप्रिन्थस रोजिया लिली का प्रोपोगेशन इनके बल्ब से या फिर इनके बीजों से हम कर सकते हैं। ज़्यादातर बंच से बल्ब्स को डिवाइड करके उनको प्रोपोगेट करना यह एक सबसे आसान तरीका है। दोस्तों, जगह के अभाव के कारण इन्हें अगर पॉट या कंटेनरों में ग्रो करना हो सके तो टैबलेट टाइप कंटेनरों को यूज़ करें, जिससे इसे एक फ्लैट सरफेस एरिया मिलने के कारण स्प्रेडिंग के साथ साथ एक फ्लावर बेड जैसा माहौल हमारे घर के एरियाज में क्रिएट हो जाता है। दोस्तों, यह सुंदर गुलाबी ज़ेप्रिन्थस रोजिया लिली जहाँ भी बड़े प्राकृतिक एरिया में बारिश के समय खिलती है वहाँ का परिदृश्य कुछ ऐसा दिखता होगा कि गुलाबी रंग का मानो समंदर उभर आया हो। दोस्तों, कुदरत की इस वनस्पति जगत में अपने स्वयंपूर्ण स्वयं विकासी व्यवस्था में बिना किसी शोर के सुनियंत्रित समय पर एक सिस्टमेटिक और साइलेंस में हर क्षण यह प्रोसेस बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा, तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।